द्वारा एक शिकायत की गई है कि अनीता बदेल जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। पर मैं आपको सच्ची सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। ये कहते हैं ना कि जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा नेता वैसा उसके कार्यकर्ता। तो उनका नेता राहुल गांधी रोज झूठ बोलता है, तो उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये सीख लिया है कि कुछ भी चलता है, सब कुछ चलता है राजनीति में। मैं आपको बताना चाहूंगी, परसों की घटना है, हमारे एक कांग्रेस के पदाधिकारी कमल गंगवाल जी के ग्रैंड चिनिया में शादी थी। उन्होंने फोन करके मुझे आग्रह किया, उन्होंने कार्ड भी मुझे दिया, लेकिन चुनाव की व्यस्तता के कारण से मैं जाने में असमर्थ थी। लेकिन उनका वापस फोन आया कि आप अनीता जी शादी में जरूर आइएगा, सारे नेता हमारे यहाँ शादी में आए, आप नहीं आएंगे तो मुझे दुख होगा। तो मैं कमल गंगवाल जी से भी मैं ये बात करने वाली हूँ, क्योंकि उनका कैमरामैन भी था, उनका वीडियोग्राफर भी था, उनका फोटोग्राफर भी था वहाँ शादी में। हम उनके भैया से मिले, उनको शादी की बधाइयाँ दी, और बधाई देने के बाद में हमने कमल गंगवाल जी को ढूंढा कि भाई उन्होंने बुलाया है, हम उनसे बगैर मिले चले जाएंगे तो उनको लगेगा पता नहीं आए कि नहीं आए। और हम उनको ढूंढते ढूंढते, चूँकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, पूरे मैदान में सब लोग साफ थे, सब एक हॉल में इकट्ठा हुए थे, उस हॉल में हम लोग गए उनको ढूंढते ढूंढते। और ढूंढते हुए मैंने बोला, मैंने कहा कमल जी आपको ढूंढते ढूंढते इतनी दूर तक हम आए हैं, आपको पुनः शादी की बहुत बहुत बधाई, आपने आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया और हम पधारे। मैं और मेरे साथ सुरेंद्र सिंह शेखावत जी भी थे वहाँ, राजू झुनझुनवाला जी है ना, क्या नाम है उनका, रिजू है, राजू है, रवि है, पता नहीं, झुनझुनवाला है ना, वो झुनझुनवाला जी भी वहाँ थे। विवेक पाराशर जी जिनकी शिकायत, जिन्होंने शिकायत करी है, वो भी वहाँ थे, और कमल गंगवाल जी के मित्रगण भी वहाँ थे। एक टोली में झुंड बना करके खड़े थे। हमने कमल जी को बधाई दी तो कमल जी ने हमारा परिचय कराया, ये झुनझुनवाल जी है। मैंने कहा नमस्कार जी आपको भी, और ये कह करके जैसे ही हम लोग आने लगे तो उन्होंने कहा नहीं 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 रुको आप, और विवेक पाराशर जी ने मुझे कहा ये झुनझुनवाल जी को वोट देना है। मैंने बोला ये झुनझुनवाल जी के सामने उनको दिखाने के लिए वोट मांग रहे हो, पीछे से किसी और के लिए तो नहीं मांगोगे वोट कहीं आप। ये मैंने उनको हाथों हाथ टोका, और टोक करके मैं और लाला बना हम निकल आए, और मेरे पास ना तो दुपट्टा था, ना किसी तरह से भाजपा लिखा हुआ कोई चिन्ह था। इतना बड़ा झूठ कोई आदमी बोल सकता है क्या? मैं मीडिया के माध्यम से उस विवेक पाराशर को पूछना चाहती हूँ, यदि तेरे पास सबूत हो तो सामने आकर के मुझसे बहस कर, एक आदमी को भी तू गवाह के रूप में खड़ा कर सकता है कि इससे आपने वोट मांगा मेरे सामने, या वो या उसकी पार्टी का कोई भी नेता, या जिनके शादी थी कमल गंगवाल से, वो पूछो कि उन्होंने किससे वोट मांगा। इतने झूठे लोग, इसका मतलब है कि कांग्रेस के लोगों से तो अब शिष्टाचार वश कोई संबंध रखना भी मुनासिब नहीं है, मतलब उनसे तो शिष्टाचार भी नहीं निभाया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कैसा किया था उससे सीख लिया इस विवेक पाराशर ने। क्योंकि राहुल गांधी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी के समाचार लेने गए थे, उनकी बीमारी पर उनके हॉस्पिटल गए, समाचार लेने गए, और बाहर आकर के बोले कि मुझे तो ये कहा है मनोहर पारिकर जी ने कि उस फाइल पर हस्ताक्षर जो है प्रधानमंत्री जी ने किए, प्रधानमंत्री जी के कहने पर मैंने ये डील किया। इतना झूठ उस नेहरू खानदान के उस व्यक्ति ने बोला है, और उसी से प्रेरणा लेकर के जो सामने की बात है उसके बारे में झूठ बोला है। तो पब्लिक सब जानती है, उस शादी समारोह, मैं आपके माध्यम से ये बात कह रही हूँ, जो उस दिन शादी समारोह में मेरे आसपास लोग खड़े थे, वो भी अखबार में सुनकर और मीडिया में देख करके इन चीज़ों को वापस में रिकॉग्नाइज करेंगे कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इस विवेक पाराशर ने, इस कमल गंगवाल ने ऐसा कैसे किया।